हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका आपके ही चैनल पे जिसका नाम है अफर्मेशन फॉर यूट्यूबर्स। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ दी मैजिक बुक, इसका जो है 21वां दिन यानी 21वां दिन जो है क्या बोलता है। ये जो है दोस्तों बेहतरीन परिणाम यानी कि जो रिजल्ट आपको जो मिलेंगे वो बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर मिले, ऐसा आज का जो है पार्ट, आज का जो है चैप्टर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब आज का जो लेसन है, आज का जो पार्ट है, इसमें हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप बेहतरीन परिणाम यहाँ पर पा सकते हैं काम के करने से पहले ही। तो यहाँ पर एक लेखक है जो कि कुछ बहुत अच्छी लाइन इन्होंने यहाँ पर जो है बोला है, जो बोल रहे हैं कि आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ, नाटक से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ, कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ, और स्याही से कलम को डुबाने से पहले भी। यानी कि एक लेखक है वो बोलते हैं कि मैं हर काम के लिए, हम लोग जो है रात को खाना खाते समय जो है खाना खाने के लिए ईश्वर के लिए जो है कृतज्ञ होते हैं, एहसानमंद होते हैं उस खाने के लिए, लेकिन जो लेखक बोलते हैं कि मैं दिन भर में हुई सबसे छोटी छोटी चीजों के लिए भी यहाँ पर जो है एहसानमंद होता हूँ। अब देखिए, हम चाहे जो भी करें अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक ने भी कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल यहाँ पर जो है किया है। हम जो है चाहते हैं कि हमारे कोई भी काम यहाँ पर अच्छे से हो, यानी कि हम चाहते हैं कि बेस्ट तरीके से काम हो, चाहे वो कोई भी काम हो, ठीक है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो तो हम अच्छा हो ये चाहते ही है, लेकिन छोटी छोटी चीजों को भी अगर आप कृतज्ञ यहाँ पर होते हैं, उसके बारे में आप जो है ऐसा मत होते हैं, तो आप यहाँ पर जो है बेहतरीन जो परिणाम है यहाँ पर जो है आप पा सकते हैं। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश यह अच्छी तरह से हो जाए, या काश इसका जो परिणाम है अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की यहाँ पर जो है आशा यहाँ पर करते हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप में से कार्य करते हैं, यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। हम कोई भी काम करने से पहले हम लोग जैसे अगर सपोज हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं यार वो काम यहाँ पर हो जाना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम इसको तो सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन जो लेखक है वो क्या बोलते हैं कि आप उस काम को ब्लेसिंग दो, आप उसको जो है कृतज्ञ हो, आप उसको धन्यवाद बोलिए, आपका वो काम जरूर जरूर अच्छा यहाँ पर जो है होगा, ऐसा आज का जो है चैप्टर इसमें ये जो है बताया गया है। अब मैं आगे का यहाँ पर जो है पढ़ रहा हूँ। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होता। यहाँ पर दो चीजों की जो है बात की गई है, एक होता है हमारा जो भौतिकी नियम यानी कि फिजिक्स का एक नियम होता है, और एक होता है हमारा जो है गुरुत्वाकर्षण यानी कि हमारा जो है ग्रेविटेशन जो फोर्स है इसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। ये कभी फेल नहीं होते, ऐसा कभी नहीं होता है कि कभी कभी जो है गुरुत्वाकर्षण का जो बल है यहाँ पर खत्म हो गया और हम लोग यहाँ पे उड़ने लग गए, ऐसा कभी नहीं होगा। और ना ही कोई भी फिजिक्स का एक नियम है जो प्लेन को उड़ाता है या हवाई जहाज को उड़ाता है, ये भी फेल होगा, ये भी ऐसा जो है बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होगा, ऐसा लेखक यहाँ पर जो है बोलते हैं। यानी कि हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर नियम से चलना है। नियम क्या बोलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपको परिणाम भी अच्छे ही यहाँ पर जो है मिलेंगे, ये सबसे बड़ा एक नियम है। अगर हम इस नियम को पालन करते हैं तो यहाँ पर जो है हम अपने जो कामों को यहाँ पर सक्सेसफुल यहाँ पर करवा सकते हैं। और कृतज्ञता का एक ऐसा नियम है, एहसानमंद होना एक ऐसा नियम है जिससे आपका जो है पॉजिटिव एनर्जी जो है आपकी जो बॉडी की जो पॉजिटिव एनर्जी ऑरा ऐसा बोल सकते हैं उस काम को कराने में आपकी जो है बहुत जल्दी यहाँ पर जो है मदद करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम मैंने आपको बताया अभी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ यहाँ पर होना। अब देखिए दोस्तों, आप इस चैनल पर आए होंगे और आपको अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता होगा तो आप एक बार उसको देख लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो आपको यहाँ पर जो है मिल जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, कि अच्छी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपको अच्छा सोचना होता है, पॉजिटिव सोचना होता है, और पॉजिटिव सोचने का एक तरीका ये भी है कि आपको धन्यवाद यहाँ पर जो है बोलना है, आपको यहाँ पर कृतज्ञ होना है। अगर आप अच्छे कामों के लिए यहाँ पर कृतज्ञ होते हैं, अगर आप जो है जो हम ब्लेसिंग्स जो हम अपने कामों को देते हैं तो वो काम जरूर अच्छे यहाँ पर होंगे, यानी कि इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात यहाँ पर जो है मैं कर रहा हूँ।
अब हमको कोई भी चीज के लिए अगर बेहतरीन परिणाम यहाँ पर चाहिए तो हमको क्या करना होगा? आप कोई सपोज एक काम करने के लिए जा रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करनी है और उस काम को, जिस भी काम को आप करने के लिए जा रहे हो, सपोज आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो इंटरव्यू में जाने से पहले आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद कर देनी है कुछ इस तरह से, और इंटरव्यू जो आप देने जा रहे हो उसको आपको ब्लेसिंग्स देनी है, उसके लिए आपको धन्यवाद बोलना है कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, मेरा उस जॉब के लिए सिलेक्शन हो गया, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मेरा उस जॉब के लिए सिलेक्शन हो गया, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इस तरह से आपको जो है यहाँ पर ब्लेसिंग्स यहाँ पर देनी है। और बिल्कुल भी मन में कोई भी शंका यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मन में शंका रहेंगी, अगर आप सोचोगे कि यार अभी मेरा वो इंटरव्यू अच्छा रहेगा क्या, क्या मेरी एग्जाम अच्छी जाएंगी क्या नहीं, आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है। आपको ऐसा सोचना है कि हाँ मेरा हो चुका है, मैं यहाँ पर जो है सिलेक्ट हो चुका हूँ, मुझे अच्छी जॉब लग गई है, बस अभी अगले महीने से ज्वाइनिंग है, एक तारीख से ज्वाइनिंग है, इस तरह से आप जो है यहाँ पर सोच सकते हैं और जो परिणाम उसमें से जो निकलेंगे वो पॉजिटिव ही यहाँ पर जो है निकलेंगे। और साथ में आपको मेहनत करने की भी जरूरत है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे और सिर्फ सोचोगे तो ये काम भी नहीं करेगा, लेकिन आपको जो है मेहनत भी करना है और साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आपको उस जगह पर जाना है। ये आप कोई भी काम के लिए कर सकते हैं, आप इंटरव्यू के लिए कर सकते हैं, या फिर आपकी एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं, या कोई भी महत्वपूर्ण काम है जो डेली लाइफ में होता है उसके लिए यहाँ पर आप जो है कर सकते हैं। अब इसके लिए लेखक ने क्या किया है, इसने लेखक ने कहा है कि आप अगर इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जैसे आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद आप जो है कोई भी 3 कामों को यहाँ पर चुन लीजिए, जैसे हो सकता है मार्केट जाना, जैसे हो सकता है कि बैंक में जाना, और जैसे हो सकता है कि आपके जॉब पर जाना, या फिर कोई दूसरा काम भी यहाँ पर ले सकते हैं, मेरे मन में जो आया मैंने आपको यहाँ पर जो है बताया है। अब जैसे अगर आपको मार्केट में जाना है तो मार्केट में जब आप जाते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है कि मार्केट में बहुत सारी भीड़ हो, या हो सकता है कि आपको मनपसंद चीज जो लेने जा रहे हो वो ना मिले, तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि मैं आज जो है मार्केट में यहाँ पर जाने वाला हूँ, जाने वाली हूँ, और यहाँ पर जो है मैं जो सब्जी लेने वाली हूँ या जिस दुकान में वो जो पर्टिकुलर सब्जी मिलती है वो मुझे यहाँ पर मिल गई है, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस तरह से आपको थोड़ा जोश में आके, थोड़ा सा अपने अंदर एनर्जी भर के उस चीज को कृतज्ञता दर्शानी है, उस चीज को, यानी कि जिस चीज के लिए आप जाने वाले हो, जिस काम के लिए आप जाने वाले हो उसको कृतज्ञता दर्शाइए, उसको बोलिए कि हाँ ये काम हो चुका है, उसके लिए मैं धन्यवाद बोलता हूँ, बोलती हूँ, और मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत ही एहसानमंद हूँ चीज के लिए, उस परिस्थिति के लिए। उसी तरह से जब आप बैंक में जाते हो तो बैंक में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भीड़ हो सकती है या फिर आपका काम रुक सकता है तो आप उस काम को ब्लेसिंग देके जाइए, आप उसको बोलिए कि हाँ मैं बैंक में जाने वाला हूँ, जाने वाली हूँ, और वहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मेरा काम यहाँ पर जल्दी हो गया, मुझे जल्दी पैसे मिल गए, मैंने जल्दी से पैसे यहाँ पर जो है डिपॉजिट कर दिए। इस तरह से आपको उसमें जो है धन्यवाद यहाँ पर बोलना है, कृतज्ञता महसूस करनी है, और दिन भर में हुए ऐसे बहुत सारे कामों को आपको जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। बस आज के चैप्टर में यही है कि आपको जो है कोई भी 3 चीजें जो आप एक दिन में कोई भी 3 चीजों को आप ब्लेसिंग्स दीजिए जो आप करने जा रहे हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कोई काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसके लिए भी आप जो है यहाँ पर इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो काम इंपॉर्टेंट नहीं भी है यानी छोटे मोटे काम भी है तो उसको भी आप जो है इस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर 3 कोई भी काम चुन लिए तो आपको क्या करना है, उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है, यानी कि आपने जो भी कामों के यहाँ पर चुना है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे कि वह इसी समय हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है डैश के बेहतरीन परिणामों के लिए धन्यवाद, यानी डैश के बेहतरीन परिणामों के लिए धन्यवाद, यानी मेरे इंटरव्यू के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, मेरे जॉब सिलेक्शन के बेहतरीन परिणाम के लिए यहाँ पर धन्यवाद। इस तरह से आपको यहाँ पर जो है सिंपल सा लिखना है, और धीरे धीरे यहाँ पर जो है जादू की जो प्रैक्टिस है आपके अंदर जब धीरे धीरे यहाँ पर विकसित होती रहेंगी तो आपके जो काम है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। अब बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। अब जो है बेहतरीन परिणाम पाने के लिए आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले तो अपनी नियामतें गिनिए। जब भी आप सुबह उठो या रात को सोने जाते हो सबसे पहले सुबह जब उठते हो तो अपनी नियामतों को गिनिए। कोई भी 10 नियामतें यहाँ पर मैंने आपको लिखने बोला था, 1 तारीख को लिखा करिए और 1 से 30 तक फिर उसको अगर रिपीट करना चाहते हो तो रिपीट करिए, उसको धन्यवाद दीजिए, कृतज्ञता महसूस यहाँ पर किए। उसके बाद दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां यहाँ पर चुन लीजिए, कोई भी 3 कामों को चुन लीजिए, कोई भी चीजों को चुन लीजिए, उनको हमको क्या करना है ब्लेसिंग्स देना है। 3rd नंबर का क्या बोलता है पॉइंट, अपनी 3 चीजों की सूची बनाए और हर एक को इस तरह से लिखे मानो वो पहले से हो चुके। अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको लिख लीजिए कि बैंक में आज मेरा जो काम है यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया, मेरा इंटरव्यू यहाँ पर जो है बहुत अच्छा गया और मैं यहाँ पर जो है सिलेक्ट हो गया हूँ, सिलेक्ट हो चुकी हूँ, मुझे जॉब मिल गई है। इस तरह से आपको यहाँ पर जो है लिखना है, सिंपल सा लिखना है, और उस चीज को बेहतरीन परिणाम के लिए आपको जो है यहाँ पर
होप रखनी है, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर का, दिन भर में होने वाली तीन अप्रत्याशित घटनाओं को ले जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मन ही मन उसको धन्यवाद करिए। कोई भी एक घटना ले लीजिए, जैसे आपका दोस्त मिल गया, अब दोस्त मिल गया तो आपने उस समय अपनी कृतज्ञता उसके बारे में नहीं दर्शाए, तो आप घर आके भी बोल सकते हैं कि आज मुझे मेरा पुराना दोस्त मिल गया, उसके लिए धन्यवाद बोलता हूँ, बहुत अच्छा लगा उससे बात करके। इस तरह से आप जो है अपने इस प्रैक्टिस को यहाँ पर जो है कर सकते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो मेरा फेवरेट है, रात को सोने से पहले जादुई पत्थर अपने हाथों में उठाइए। जादुई पत्थर क्या है वो वीडियो नहीं देखा होगा तो सेकंड नंबर का चैप्टर है, उसको देख लीजिए। जादुई पत्थर अपने हाथ में उठाएंगे और दिन भर में सबसे अच्छी चीजों को याद करेंगे, मुस्कुराएंगे, उस चीज के कृतज्ञ होंगे, एहसानमंद होंगे और आराम से सोने के लिए चले जाएंगे। बस दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पर मैंने बताया कि बेहतरीन परिणाम पाने के लिए हमको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, आप भी ऐसी प्रैक्टिस करिए। होप करता हूँ कि आपके सभी काम यहाँ पर जो है सक्सेसफुल होंगे, कोई भी काम यहाँ पर जो है रुकेगा नहीं। तो वीडियो को कैसा लगा इस बार कमेंट करके जरूर बताना, साथ में अपना जो चैनल है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।